है फ्रेंड, दिस इज केहुल बामरे और आप देख रहे हैं ट्रायल इन केहुल। आज हम आए हैं साउथ के कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी शक्तिपीठ के दर्शन करने जा रहे हैं हम। हमने होटल में स्टे किया था रात को, तो वहीं से मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ा साउथ लुक है, गेटअप भी है। और ये हमारे साउथ के अन्ना ये जा रहे हैं, और ये कन्याकुमारी है। लाइक वो दिख रहा है ना आगे, वहाँ से पूरा समुंदर चालू हो जाता है, उसके आगे कोई प्लेस नहीं है। सर्वानी शक्तिपीठ कन्याकुमारी में हम जा रहे हैं, उससे पहले हम गांधी मंडप में जाएंगे, बिकॉज वो पहले आ जाता है, तो उसको पहले कर लेते हैं, वो प्लेस एक हो जाएगा, उसके बाद कन्याकुमारी शक्तिपीठ में जाएंगे। आई थिंक अभी बहुत सुबह है, इसलिए मंदिर अभी ओपन नहीं हुआ होगा, इसलिए हम थोड़ा टाइम पे स्पेंड करेंगे इस प्लेस पे, फिर वहाँ से कन्याकुमारी शक्तिपीठ जाएंगे। ये हमारी है ब्री गैंग। हम इस लोकेशन पे आ गए, यहाँ से हमें ये पीछे एक यहाँ पे स्टेचू दिख रहा है ना, वो एक स्टेचू है इस साइड। ये पीछे शक्तिपीठ है और उसके सेंटर में गांधी मेमोरियल है। तो इधर से हमें 3 प्लेस दिखेंगे, तो हम बारी बारी एक एक प्लेस में विजिट करने वाले हैं। और अभी अभी हमें यहाँ पे रिसेंटली मोर दिखे पीछे, पता नहीं आपको दिख रहे कि नहीं, ये सब मोर है। गांधी मेमोरियल है, गांधी मेमोरियल के पास आ गए हम। ये गांधी मेमोरियल, समंदर भी काफी पास में है यहाँ से, मतलब यहीं पे एंड हो जाता है समंदर भी, यहीं से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे एंड हो जा रहा है हमारा जमीन का। पीछे गांधी मेमोरियल, ये हमें एक फोटोग्राफर मिला है जो हमें त्रिवेणी संगम तरफ ले जा रहा है, वो हमें समझा रहा है मतलब कहाँ कहाँ घूम सकते हो आप। उसकी हिंदी थोड़ी ऐसी है, श्रीलंकन हिंदी। ये दरिया आ गया है, गांधी मेमोरियल में भी जाएंगे हम, त्रिवेणी संगम तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे एक रॉक मेमोरियल भी है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये है त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी, इससे आगे श्रीलंका लग जाता है, तो उस समुंदर के उस साइड श्रीलंका है। अभी पब्लिक आई है, और अन्ना तुम भी कुछ बोलो। अन्ना अन्ना क्या बोल गया? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे 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 अन्ना राजा डाला नागमणि ने, वो मुंबई में चलते रहते, इसका आराम से ऐसे दर्शन बताने चलेगा, 2 मिनट कर आराम से माता जी के दर्शन करके मंदिर के सामने है, तो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल जाने की टिकट मिलेगा। एक आदमी आने जाने की बोर्ड में सिस्टर भी करने में वेरी गुड प्लेस, अंदर जाए तो वापस नहीं आएगा, माता जी का भाव का हिस्सा है अंदर, स्वामी विवेकानंद का
देखने की कन्यामल के पाँव का मिसाल का मामला करते आराम से दर्शन करना, उसका दर्शन करके वहाँ पर गांधी स्मारक ये उसके अंदर एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक समाज बनाया जिस समाज में गांधी के मरने के बाद उसका 80% लेके आए, मुझे क्या मुझे क्या जगह याद के लिए समाज बनाया, समाज के ऊपर बिल्डिंग में इतने बड़े होल होल हमेशा खुलना में रहेगा, कितना स्वीट दो सी पानी आने के बरसात आएंगे एक टुकड़ा पानी के अंदर नहीं आते। अक्टूबर 2 तारीख गांधी जन्मदिन के दिन अक्टूबर 2nd अक्टूबर 12:20 में 100 रुपये आई थे, इसके बाद जस्ट बिल्डिंग कॉमन रचना था तमिलनाडु पुराना मुख्यमंत्री कॉमन रचना था इसका बिल्डिंग आगे जाए फिर से एक्सीबिशन इतना फिर दूसरा गांव को बस में पकड़ के निकल जाना ये था बात है। पहले अभी पेड़ धो के नहा ले या कैसा फोटो फोटो निकाल के पानी में जा यहाँ से कन्याकुमारी टेम्पल की तरफ जा सकते हैं हम। इस टाइप की शॉप से कन्याकुमारी टेम्पल के सामने जब हम कन्याकुमारी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं कन्याकुमारी टेम्पल यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं ये सीधा एंट्रेंस अपनी शर्ट उतारें। कन्याकुमारी में दर्शन के लिए बिना शर्ट के ही जाना पड़ता है इसीलिए हमें यहाँ पर अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी। अरे इनकी लुंगी भी खुल गई। देखो देखो भैया भाई ज्ञान पाते क्यों भैया अब बोलो। अभी हम दर्शन करके निकले हैं कन्याकुमारी शक्तिपीठ से। ये कन्याकुमारी माता का मंदिर है जहाँ पे 9 इयर्स की माता जब 9 साल की थी तभी से यहाँ पे है स्थित, मतलब 9 साल की थी इसलिए कन्या और कुमारी, इसीलिए इस गांव का नाम कन्याकुमारी रखा गया है। यहाँ से हम आए थे दर्शन करके बिकॉज अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है इसीलिए अंदर का फुटेज नहीं मिल सकता, बट ये बाहर का फुटेज है। यहाँ पे सब शॉप भी है, कुछ भी खरीद सकते हो आप। स्ट्रक्चर एकदम श्रीलंकन टाइप आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। सो फ्रेंड्स
कन्याकुमारी माता का दर्शन हो गया है और इसी तरह हम यहाँ अपना इस व्लॉग की अंत करते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए।